everyone, Assalamualaikum, Namaste and Sat Sri Akal. I hope you all are doing great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पर. इससे पहले भी हमने इस वीडियो पर रिएक्शन दिया है और वो था पार्ट वन. टाइटल है खान सर जी की वीडियो है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर. सो इस वीडियो पर आज हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं पार्ट टू में ये क्या कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब पाकिस्तान ने ना भारतीयों को तबाह करने के लिए भारत का सबसे खतरनाक जहाज था आईएनएस विक्रांत. आईएनएस विक्रांत को बर्बाद करने के लिए ना इसने यहाँ से भेज दिया आईएनएस पीएनएस गाजी को. गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया कि जाके मार के आओ किसको, विक्रांत को, क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आ जाती. तो ये गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग एगो खराब जहाज से मार दिए. तो अब इधर समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोए हैं तो इधर कितना बुरा धोए होंगे, इसको बारे में हम लोग समझते हैं. भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की इसको ध्यान से समझ. ये मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहाँ पर रेप किया, मर्डर किया. और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से हमारा एयरफोर्स. ये तबाह कर दिए थे, इनको भागने के लिए भी जगह नहीं था. और इसी में इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी, क्योंकि इनको जो मदद थी, देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान है, इनको मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा. अब बताइए यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ़ भी नहीं होगा जो इधर से मदद करने जाएगा. रास्ते में ही एयरफोर्स मार के गिरा देती थी, ट्रक वगैरह जाएगा नहीं. तो नेवी से ये इन लोग मदद देते थे, भैया यहाँ पे जो इनके फौजी लड़ रहे थे उनको खाना पीना भी खत्म हो गया था. अब इनको बर्बाद कर दिया भारत आईएनएस विक्रांत. आईएनएस विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था इस साउथ एशिया के देशों का, और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी. वो एयरफोर्स यहाँ से भी बम मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाजें और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था जो, ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना आए. मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया. अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान में, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था. इधर हम लोग ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगांव. अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था. अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो. देखिए ये विक्रांत है, विक्रांत जहाज जो था इस पे से, इसके ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखेंगे. पीएनएस गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई कि तुमको जाना है और इस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है. अब पाकिस्तान वालों का इतना दिन तो अच्छा था नहीं. भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी, वो समुंदर के अंदर अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है, पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर. ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया. अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा दिए, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे के रखने लगे. और इस पीएनएस गाजी जो था, पीएनएस गाजी को देखेंगे, पीएनएस का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, पीएनएस गाजी, ये मारने आ गया किसको, विक्रांत को. इस पीएनएस गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था आईएनएस राजपूत. लेकिन ये जो आईएनएस राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था इस आईएनएस राजपूत के साथ, क्योंकि इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये बिगड़ गया था. और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम पे बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, इंजन ही गड़बड़ हो गया था. तो भारतीयों का यहीं पे दिमाग काम आया. भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम पीएनएस गाजी को खुद बुला के लाएं, कहाँ पर, विशाखापट्टनम पे. तो लोगों ने कहा कि भैया ये आएगा विशाखापट्टनम में कि आओ आईएनएस राजपूत हमको मार दो. तो कहा कि नहीं, देखिए कैसे आएगा. भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ ना कुछ जासूस होंगे और वो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे. भारतीयों ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर फोन कीजिए कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तुम लोग हमारी हमको छुट्टी मिला है, विशाखापट्टनम में 10 दिन रुकेंगे, हमारे लिए तुम लोग खाना पीना अच्छा से बनाओ. लड़कों से उन लोगों को खबर खिला दिया. विशाखापट्टनम में जितने मछुआरे थे उनको कहा गया कि आप लोग हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज आने वाला है, बहुत बड़ा जहाज विक्रांत आ रहा है यहाँ पे, आप लोग खाली कर दीजिए, आईएनएस विक्रांत आ रहा है. यहाँ पर क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया बहुत सारे फल सब्जी अंडा ब्रेड कि भैया ये इतने बड़े जहाज के लिए जा रहा है, 6 महीने का खाना चाहिए. ये खबर आग की तरह फैल गई पाकिस्तानियों को. अब पाकिस्तान में खबर लग गई कि भैया
INS विक्रांत यहाँ नहीं है, INS विक्रांत विशाखापट्टनम पे है। अरे बकलोलवा, विशाखापट्टनम पर PNS गाजी की मौत, यमराज इंतजार कर रहा था INS राजपूत। ये गधा जो था PNS गाजी, ये मुड़ गया किधर की ओर, विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पर चुपचाप शांति से खड़ा हुआ जहाज INS राजपूत इंतजार कर रहा था, तो पानी के अंदर अंदर आओ, ये अभी बाहर निकला हुआ है, पानी के अंदर रहते हैं। और तीर INS राजपूत देखा कि ये आ रहे हैं, वो INS राजपूत को मारता कि इससे पहले ही INS राजपूत मार के तबाह कर दिया PNS गाजी को। PNS गाजी पर को डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये PNS गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई डुबा नहीं सकता था, और हम लोगों ने उसको इस जहाज से डुबाया जो जहाज खराब हो चुका था, जिसका इंजन खराब था। भारतीय सेना का मोराल पूरे सातवें आसमान पर था और पाकिस्तानी दिन पर दिन बर्बाद हो रहे थे। अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करेंगे, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फोन किया, भैया आप कुछ कीजिए। तो अमेरिका ने ना UNO में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कह दिया पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि तू देर जानता है जुल्म कर रहा है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। वीटो अगर कोई देश, पांचे देश को वीटो है, इस पर अलग चर्चा करेंगे, अगर किसी ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ दी। अब पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ना भारत, पाकिस्तान के की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, सातवां बेड़ा। देखेंगे सातवां बेड़ा को, अगर इतना भयानक था सातवां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था, विक्रांत को डुबाने के लिए, और इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रह गई, ले तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। तो भारत ने रूस को कहा कि भैया अमेरिका इतना भयानक सातवां बेड़ा भेज दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो रूस ने कहा टेंशन क्या लेते हो, देखो हम बोलते हैं। रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। आप देखेंगे ये रूस का 40वां बेड़ा है, ये अपने भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया, कहा कि चल भैया देखते हैं तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कह दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। यहाँ पर खड़ा था भारत का विक्रांत और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना, तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग। और अमेरिका अपना सातवां बेड़ा लेके यहाँ मुँह देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़ा को भी भेज दिया था। तो ये दो लोग हमारे खिलाफ आ गए थे लड़ने के लिए। अब बताइए, हम लोग बांग्लादेश की भलाई सोच रहे थे और अमेरिका का सातवां बेड़ा और रूस का ब्रिटेन का ईगल हम लोग के खिलाफ था, और हमारा अपना विक्रांत और रूस की एयरफोर्स और उसकी 40वां बेड़ा हमारे साथ थी। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा का कहना था कि भैया हमारे जहाज पर ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, तुम अगर इधर आओगे तो हम मार देंगे तुमको ऐसे ही। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया समुंदर के ऊपर, ताकि सैटेलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके, और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाज़ों के ग्रुप को देखकर घबरा गए, इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट। ब्रिटेन का ईगल बेड़ा अमेरिका के सातवां बेड़ा से कह रहा है, गिरे उधर मत जो, बहुत देर हो गया है, वो पहले पहुँच गया है रूस, अब मारेगा वहीं, तबाह हो जाओगे यहाँ पर। तो सातवां बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वां बेड़ा ने रिप्लाई किया था कि हम भी जब चले थे ना तो परमाणु बम लादे के चले थे, और गिनती जब कर रहे थे तो हम भी गिनती किए थे, 250 हमारे पास भी परमाणु बम था, लेकिन इतना ज़्यादा था कि सोचे कि कौन गिनेगा, बाद में गिनेंगे, आ जाओ देखते हैं किसके पास कितना है। तो रूस ने हमसे सच्ची दोस्ती निभाई थी, और इधर शेख मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी थी वो अपना काम कर रही थी। अब भारत आर पार की लड़ाई में था, पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारते जा रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर
मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एयरफोर्स को पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश है तो ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करा दिया, हवाई जहाज से सैनिकों को उतार दिया और उन सैनिकों के भेष में उसमें सैनिक कम थे और उसमें केवल पुतलों को नीचे उतारा गया था। ये केवल इंडियन आर्मी जान रही थी कि पुतला नीचे उतरा है सर, लेकिन मीडिया ने तो इसको खबर को आग की तरह फैला दिया और इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे हाथ जोड़कर बीबीसी न्यूज का। और बीबीसी ने ये छाप दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने ढाका पर 5000 एयर ड्रॉप करा दिया फौजियों को। अब ये गली गली खोज खोज के पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे कि तुम क्यों मार रहे हो हमारे बांग्लादेशी भाइयों को। और बांग्लादेश की मुक्तिवाहिनी वैसे ही उनके पीछे पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों के। अब पाकिस्तानियों का पूरा मनोबल टूट गया, पाकिस्तानी गली गली छुप गए सब। सोचिए ये पुतला से डर जा रहे थे सब, रियलिटी में ये फौजी नहीं थे, ये पुतला गिराया गया था एयर ड्रॉप करके। अब वो लोग डर के मारे भाग गया यहाँ पर। अब एयरफोर्स ने देखा कि उसके ये छोटे से वैज्ञानिक दबाव का इतना खतरनाक असर पड़ा है। एयरफोर्स ने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब आर पार को अब ठोक डालते हैं पाकिस्तान को, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एयरफोर्स ने बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उनके घर पे हमला कर दिया। अब वो घर में नहीं थे, वो तो बच गए। बचने के बाद डर क्या होता है, देखिए डर किसको कहा जाता है, जो उनके गवर्नर हाउस थे एएच मलिक, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। भैया जिंदगी रहेगी तो बहुत नौकरी करेंगे, डर के मारे त्यागपत्र दे दिया। सोचिए गवर्नर, क्योंकि पाकिस्तान का एक राज्य ही तो था पूर्वी पाकिस्तान, जैसे हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र, वहाँ पे भी एक गवर्नर होते हैं ना, संवैधानिक हिसाब से गवर्नर मालिक होता है उस जगह का, त्यागपत्र दे दिए। सोचिए ये डर था उनके अंदर। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल तो हमारे मानिकसा थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्हें बांग्लादेश जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब उसे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात किए और उन्हें कहे कि हम आपको आधा घंटा का टाइम देते हैं और आप इस आधा घंटा में विचार कीजिए आप सरेंडर करते हैं कि नहीं। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा और अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, देखिए गवर्नर साहब का घर है, कोई ठीक नहीं है, आपके घर पर भी यही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हमारे सामने सरेंडर नहीं करिएगा तो याद रखिए हम अपने हमले को 10 गुना और तेज कर देंगे। और हार तो आप चारों ओर से गए हैं। भारत चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को रोक खत्म किया जाए, क्योंकि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो चुका था। अब अमेरिका अपना नाक पे ले लिया था कि भैया हमारा जहाज मार के गिरा दिया, पीएनएस गाजी उसी की पनडुब्बी थी, वो तो पाकिस्तान को दिया, सातवां बेड़ा को नहीं घुसने दिया तो अमेरिका की किरकिरी हो रही थी, ब्रिटेन के ईगल को घुसने नहीं दिया उसकी किरकिरी हो रही थी। अब भारत को उस समय लोग कहते कि ये गरीब देश है, अभी आज़ाद हुआ है, 1971 में हमारी यही हाल थी और सारे लोग कह रहे थे ससुरा हम उसको गरीब समझ रहे थे, रुवा के रख दिया अमेरिका को, हर जगह धो दिया पाकिस्तान को। अब बेचारे नियाजी क्या कर सके, नियाजी को आधे घंटे का टाइम दिया गया। 16 दिसंबर 1971 याद रखिएगा दिन, 16 दिसंबर 1971, ये हमारे इतिहास का 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। और आत्मसमर्पण आप देखना चाहेंगे जनरल नियाजी का, जनरल नियाजी इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया और साइन करने के बाद बांग्लादेश के ढाका रेस कोर्स में इन्होंने साइन किया और इनकी आंखों में आंसू था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है जो गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दिया। गिनीज बुक में कैसे, देखिए पाकिस्तान के लोग हमको, हम चाइना के वीडियो बनाए थे उस पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती, देखो बांग्लादेश तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है तुम्हारे यहाँ का। 93,000 फौज, सोचिए 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया, ये 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लीजिए ये अपना बंदूक उतार फेंक दिए, अपने स्टार नोच के उतार दिया कि भैया हम लीजिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बेल्ट उतार के दे दिया, अब चलिए जहां ले जा रहे हैं, जितना लाठी मारना है हमारी आत्मसमर्पण। ये वही पाकिस्तान है, याद रखिए, आप याद कीजिए हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में, केवल 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को ही। और आप याद कीजिए बहुत बहादुर बनते हैं ना, 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से, इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है, 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से, क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। तो ये है गिनीज बुक में नाम है, ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी एक तरह से गिनीज बुक में नाम है ना जी,
भले हारने से नाम है तो क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भैया गिनीज बुक के नाम है। अब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, बाद में हम लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया था। और इस सरेंडर के बाद बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी थी उसके चेहरे पर ये मुस्कान थी कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। ढाका, इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की, ये खुशी थी बांग्लादेशियों के चेहरे पर, जिनकी बहनों की इज्जत आबरू लूट ली गई थी उन्हीं देश की फौजियों के द्वारा। जिनके ये जो नियाजी थे, जब इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया था बांग्लादेश में, तो ये नहीं पूछे थे कि बांग्लादेश का स्थिति क्या है, ये पूछे थे कि जिन लड़कियों का रेप हुआ है वो कहाँ है सब दिखा तो, मतलब ई वीजा के करेंगे, ये हाल था। ये इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाद फिर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया, भारत ने जो अपना वादा किया था कि शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र करेंगे, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भारत ने अपने वादा को पूरा किया। आज शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की कमान संभाले हुई हैं। शेख हसीना, जब हमको याद है जब वो भारत आई थी तो एयरपोर्ट पर, तो मोदी जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, जबकि ऐसा नहीं होता है, शायद ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में कोई बड़े देश का राष्ट्रपति रिसीव करने जाए, प्रधानमंत्री रिसीव करने जाए। तो भारत अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, सबके साथ। अभी हाल फिलहाल में नेपाल के लोग थोड़ा गुस्सा हैं लिम्पिया धूरा काला पानी को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा नेपाल के साथ कोई खराब रिश्ता है, हमारा नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है, बांग्लादेशियों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, आज हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। और बांग्लादेश को जो पाकिस्तान के लोग कहते थे ये किसी काम लायक नहीं है, ये वाले भाई लोग पाकिस्तान से आगे निकल गए, आज इनका मलमल का कपड़ा, जूट और पाम ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है, जहाज़ों की मरम्मत में, मतलब जहाज के रिपेयरिंग में बहुत आगे निकले हैं बांग्लादेश के लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। इस युद्ध के बाद अगर भारत चाहता तो भारत पाकिस्तान के पश्चिमी भाग को भी कब्जा कर लेता, क्योंकि यहां तो हम लोग हराए ही थे, उनके 93,000 फौज तो हम लोग जिंदा पकड़ लिए थे, हम उन्हीं को कह देते बंदूक लगा के कि कश्मीर खाली करो, हमारा यहां से वापस जाओ, लेकिन बावजूद हमने इंसानियत दिखाई थी पाकिस्तान के ऊपर। इसका बदला पाकिस्तान ने हमें क्या दिया पता है, 26/11 हम संसद भवन पर अटैक, तो कभी अमृतसर में अटैक, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, कभी 26/11 का हमला, ये सब हुआ। हम चाहते तो उस वक्त भी जीत सकते थे। ये पाकिस्तान वाले आप जो कहते हैं कि हमारे हम बहुत बहादुर हैं, भारतीय सेना हमारा क्या कर सकती है, तो भारतीय सेना की रहमो करम पर आप लोग जिंदा थे, वरना 1972 में ये जो सेना थी ना 71 में, आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती। आप हिंदुस्तान के व्यूवर्स आप लोगों से भी कहते हैं कि एक लाइक तो बनता है इस सैनिकों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे इस चैनल के लिए कभी नहीं कहेंगे कि खान जी सीसा सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आज एक लाइक बनता है हमारे इन वीर सिपाहियों के लिए जो आज भी सेना के लिए डटे हुए हैं। और ये पाकिस्तान इस पर कमेंट करते हैं, हम आप भारतीयों से कहते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर करना है आप शेयर कीजिए, ताकि आपके बच्चों बच्चों तक को ये पता चल सके कि हमारे सैनिक कितने बहादुरी हैं, कितने बहादुरी से लड़े थे हमारे सैनिक, कितने बहादुर हैं। और इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि पाकिस्तान तक पहुंचे और वहां का बच्चा बच्चा इस वीडियो को देखे, ताकि उनके अंदर भारतीय सेना का जो डर है वो बैठे। ये डर जरूरी है उनके अंदर, ये डर उनकी हड्डियों तक जाना चाहिए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पाकिस्तान तक पहुंचाइए, पूरी दुनिया में पहुंचाइए कि हमारे वीर सिपाही कितनी बहादुरी से लड़े थे। और हाँ, कोई भी देश के हो, हर देश को अपने सैनिकों के लिए सम्मान करना चाहिए। हम ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताएं, हम अपने सैनिकों की वीर गाथा बताएं जो A to Z अक्षरशः सही चीजें हैं। समझ में आया? आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ बोलिए आप लोग भारत माता की जय। पाकिस्तान के युद्ध का जो हम सीरीज बना रहे हैं, आज 71 का युद्ध बढ़ाएं, हम आपको कल 1948 का युद्ध बता देंगे, 65 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद ने जो बहादुरी दिखाई, फिर आपको हम 84 का सियाचिन, 99 का करगिल और 62 की चाइना युद्ध के बारे में भी बता देंगे। याद रखिएगा, चाइनीज और पाकिस्तानी इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करेंगे, आप उन पर भारी पड़िएगा। ये वीडियो आप संभाल के रखिएगा, अपनी पीढ़ियों को दिखाइएगा कि हमारी सेना कितनी बहादुर थी। एक सैल्यूट हम अपने वीर जवानों। सो 1971 के बारे में हमने पार्ट वन बनाया था, तो ये पार्ट टू है। तो जो पार्ट वन बनाया था उसमें लोगों ने कहा था कि आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, पहले रिसर्च करें, उसके बाद आप वीडियोस बनाया करें और रिएक्शन दिया करें। सो सबसे पहले तो ये कि रिएक्शन तभी मैं बनाती हूँ जब मैं फर्स्ट टाइम वीडियो देखती हूँ। मैं अगेन पहले एक बार देख चुकी होती हूँ तो दोबारा से वीडियो नहीं बनाती। और
हिस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है, लेकिन कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि वो हमारी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब जो वक्त गुजर चुका है, तो उसको अपने दिल में रख के, अपने दिमाग में रख के मैं ये बात सोचूं कि यार इंडिया ने ये किया था, इंडिया ने वो किया था, तो मैं नफरत पैदा करूं एक दूसरे मुल्क में, तो ये एक गलत बात होगी। तो इसलिए मैं कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि दोनों कंट्री के बीच में अमन हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, क्योंकि जो आम पब्लिक है वो हमेशा से यही चाहती है कि दोनों कंट्रीज, जैसे कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके रिलेटिव्स इंडिया में भी हैं, क्योंकि जब ये सेपरेट हुआ था कुछ लोग वहाँ रह गए थे, कुछ लोग यहाँ रह गए थे, तो अब दोनों बॉर्डर के दोनों बॉर्डर से जो लोग हैं वो मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अमन हो। तो इसमें नफरतें जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक अमन नहीं आएगा। और बाकी वॉर की बात है तो इस वॉर को पूरा मैंने जो खान सर की ये वीडियो देखी है तो उसमें मुझे इतना आइडिया हुआ है कि मतलब कि जो रशिया है और रूस है उन लोगों ने मतलब कि जो इंडिया को सपोर्ट किया उसके बाद जो है वो एक प्लान करके मतलब कि जिस तरह से वो पुतले ऊपर से बांग्लादेश में गिराए और यूएसए से जैसे पाकिस्तान ने एक सपोर्ट मांगी थी और सपोर्ट के बाद वो यूएसए जो है उन्होंने हेल्प किया, आए वो लोग यहाँ पर पाकिस्तान के लिए हेल्प करने, तो तब तक इंडिया ने रूस एंड रशिया से हेल्प ली और उन लोगों की वजह से जो है इन लोगों को काफ़ी हेल्प मिली है, काफ़ी सपोर्ट मिली है। इस चीज़ का मुझे मतलब कि आइडिया हो रहा है। ओवरऑल वीडियो थी, इसमें रूस एंड रशिया का बहुत बड़ा हाथ है फॉर इंडिया की इस 1971 वॉर के अगेंस्ट, और जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ और इन्होंने अपना एक मुल्क बनाया है, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद देश की काफ़ी मतलब जीडीपी में भी काफ़ी फ़र्क आ गया है, काफ़ी ऊपर आ गई है, और अगर बांग्लादेश की मतलब के ओवरऑल लोगों की बात करें या फिर वहाँ के हुनर की बात करें जैसे मखमल का वो बता रहे थे कपड़ा वगैरह और वो सारी चीज़ें, तो नो डाउट बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और बहुत कम टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी अपने आप को ग्रो कर रहा है लेकिन कुछ पॉलिटिक्स आ गए, कुछ बहुत सारी सिचुएशंस जो है पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो मतलब कि डाउन से डाउन होता जा रहा है, लेकिन आई होप कि अब पाकिस्तान जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं तो यही चाहूँगी कि हमारा मुल्क जो है वो ऊपर की तरफ जाए। तो जाहिर सी बात है जैसे इंडियन चाहते हैं कि उनका मुल्क जो है वो ऊपर से ऊपर जाता जाए, और इंडियन वैसे भी मैंने ज़्यादातर नोट किया है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग मतलब कि आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आप लोग एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, आपकी आर्मी ऐसी है, आप लोग ऐसे हैं, तो भाई बी पॉजिटिव, अमन रखो और जो ये नेगेटिविटी है ना इसको ख़त्म कर दो। जब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हुई होगी तब तक कुछ नहीं होगा, और ये जो हेट वाले कमेंट्स होते हैं और उससे तो मुझे रीड करके ऐसा लगता है जैसे पार्ट वन मैंने कमेंट जो है वो मैंने रीड किया है। जाहिर सी बात है मैं जब लाइक करती हूँ ना कमेंट्स को तो उसका मतलब ये होता है कि मैं आपको ये शो करूँ कि यस मैं आप लोगों के कमेंट रीड कर रही हूँ। तो वो जो था वक्त गुजर चुका है, वो हमारा एक पास था, वो हमारी एक हिस्ट्री थी, तो ये सारी हमारी हिस्ट्री थी और वक्त गुजर गया है। वक्त गुजरने के बाद यही होता है कि हम लोग अमन लाएं, वो एक वक्त था जो गुजर चुका है। इंडिया विन किया, पाकिस्तान हार गया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, तो ये भी एक बड़ी बात है। पाकिस्तान जैसे जीत गया था तो मतलब कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना था, इंडिया से अलग हुआ और फिर बांग्लादेश जो है वो एक आज़ाद मुल्क बना, तो ये एक हिस्ट्री थी हमारी और जो वक्त गुजरता जाता है उसको हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप कश्मीर पे भी इशू उठाएं, तो भाई ये हमारे पॉलिटिक्स का इशू है, वो लोग जाने और इंडियन पॉलिटिक्स जाने, मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं बात क्यों करूँ, मेरा कोई इससे कंसर्न नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं पाकिस्तान कश्मीर के बारे में मैं बात करूँ। भाई आप लोग बात कर लें अगर आपको बात करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो में बैठकर मैं ये बातें तो कर नहीं सकती और ना ही मैं करूँगी कि कश्मीर को ये करो वो करो ये करो, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं वीडियो में तो इस तरह की कोई बात नहीं करने वाली। सो आप लोग मुझे चैलेंज मत किया करें कि वीडियो में आप ये बोलें वो बोलें, आपकी आर्मी ऐसी है वैसी है। आई सपोर्ट इंडिया एज वेल, लेकिन इंडिया
के लोग जो हैं उनको भी चाहिए कि जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव आपको कमेंट देते हैं, पॉजिटिव आपकी अच्छाई, आपकी कंट्री की अच्छे चीज़ें दिखा रहा है, तो इट्स मीन के हम लोग चाहते हैं कि आपकी कंट्री के बारे में अच्छे से अच्छा बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लास्ट में यही कहूँगी कि स्प्रेड लव नॉट हेट। नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा।